स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि HP। देखिए, जिसमें हमारा आज का पॉइंट है फाइंड रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। AM मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जो कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में AM का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक ऐसे GM ज्योमेट्रिक मीन के लिए और हार्मोनिक मीन के लिए हमने अभी पिछली वीडियो में तीनों के फॉर्मूले हमें याद होंगे ही। तो देखिए, मैंने लिखा है इनमें हमें तीनों में क्या लाना है, रिलेशन लाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, क्या होता है वो फॉर्मूला और कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। देखिए, ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, अरिथमेटिक मीन के लिए शॉर्ट में हम ए से लिखेंगे, ये आप जानते होंगे। इक्वेशन वन, जी ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए वी, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायरिंग कर दें इसकी, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर जी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, ये आप जानते ही होंगे। ए वी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी, हमने क्या किया, जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था उसको हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दिया, एच इज इक्वल टू टू ए वी अपॉन ए प्लस वी, ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए ये होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर थ्री दिया। अब हमें करना क्या है, ए एच जी और एच, इन तीनों में एक फार्मूला बनाना है। कैसे हम करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन और थ्री की मल्टीप्लाई कर लें। देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड मल्टीप्लाई, आप जानते हैं ए इंटू एच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू इंटू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब जो ए इक्वेशन थी और जो एच के लिए इक्वेशन थी, दोनों को हमने देखे ए एच ए की मल्टीप्लाई एच से और इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी से, वो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा है। अब आप इसको क्या करें, सरल करें, सिंप्लीफाई करें, टू से टू कैंसिल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, क्या रह गया, ओनली ए बी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो है ए इंटू एच इज इक्वल टू ए बी, और आप देख रहे हैं ए वी जो वैल्यू है वो जी स्क्वायर के लिए है। यहाँ देखिए, ए वी की जगह पर हम जी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा वाई इक्वेशन टू, यानी इक्वेशन टू का यूज़ करने पर ए वी के प्लेस पर हम क्या लिखें, जी स्क्वायर, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एच। तो तीनों में ये रिलेशन हो गया, इसमें ए एम, जी एम और एच एम, यही हमें फॉर्मूला इसमें प्रूव करना था। देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हमने फार्मूले आपको डिफाइन किए, क्या फार्मूले होते हैं, कौन कौन से हम यूज़ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द 14th टर्म ऑफ HP। HP आपको गिवेन है 6 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस 6 अपॉन 7 प्लस सो ऑन आर इन HP। HP मीन्स आप जानते ही हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी हरात्मक श्रेणी। क्या होती है HP? इसको हमने डिफाइन किया था कि ऐसी सीरीज जिसके रेसिप्रोकल, जिसकी टर्म्स के रेसिप्रोकल से AP सीरीज बन जाए, वो HP होती है। तो हम अगर हम ये कहें इस सीरीज को AP में चेंज करिए, तो हमें हर टर्म का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना होगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो टर्म ऊपर लिखी होती है वो नीचे और जो नीचे की ऊपर। 6 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल हुआ 5 अपॉन 6 प्लस 1 का 1 रहेगा क्योंकि नीचे है ही नहीं कुछ, प्लस 6 अपॉन 7 का क्या हो जाएगा 7 और ये 6 नीचे डॉट डॉट सो ऑन AP। तो HP से AP बनाने का प्रोसेस ये है।
ठीक है। अब हम एपी का फार्मूला यूज करेंगे, एचपी का अपना कोई फार्मूला नहीं है टीएन निकालने के लिए। एनथ टर्म ऑफ एपी, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 5.6 कॉमा डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है कैलकुलेशन। 6 बन जाए 6 माइनस 5 1.6, एन कितना है 14, क्योंकि कौन सी टर्म हम फाइंड आउट कर रही है 14th, एन कितना हो गया 14। फॉर एपी, एपी के लिए हमने फार्मूला, एपी जो सीरीज हमने चैप्टर आपको क्लियर किया था वहाँ ये फार्मूला हमने बताया होगा और आपको याद भी होगा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लें, ए की जगह 5.6, एन की जगह 14 और ये 14 लिखा और डी 1.6, तीनों वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो यहाँ हम 14 लिख सकते हैं, टी 14 मीन्स 14th टर्म, 14वां पद। तो 5.6 ये कितना हुआ 13.6 हो गया, दोनों को प्लस किया 5 प्लस 13 18.6, 6 से इसको डिवाइड 3। तो जो सीरीज है एपी उसका एनथ, सॉरी 14th टर्म 3 हुआ। हमें किसके लिए फाइंड करना है, एचपी के लिए। हरात्मक श्रेणी फॉर एचपी के लिए क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 को हम 3.1 लिख सकते हैं, तो 1 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, ये हो गया आपका एचपी के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्यूशन आंसर आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड एच एन। इन्होंने क्या गिवन है ये देखते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10, यानी एक ही वैल्यू गिवन है हमारे लिए क्वेश्चन में, ए कितना है 10, ज्योमेट्रिक मीन इज 8, तो हमें जी कितना है 8, फाइंड एच एन मीन्स एच फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा गिवन ए इज इक्वल टू 10, जी इज इक्वल टू 8, एच क्या, एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर है। अब चूंकि हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, जी एच और ए तीनों के पदों में, ये था क्या था रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तीनों में क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला होता है। उसके लिए हमने प्रूफ भी किया था, ये होता है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एच। अगर हम कहें इसका स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, तो हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया स्क्वायर करने के बाद, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी की वैल्यू जी के प्लेस पर, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है 10, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई एच, 8 का स्क्वायर कितना जानते ही आप, स्क्वायर मीन्स 2 पावर है, तो 8 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 64 होगी इज इक्वल टू 10 एच। एच फाइंड करना है हमें, तो ये 10 कहाँ हो जाएगा इसके डिवाइड में, एच इज इक्वल टू 64 अपॉन 10, 10 से इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, एक जीरो है तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ 6.4 आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 8। तो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, एक नंबर है ए, ए अगर हम कहें कितना है 2, और वी कितना है 8। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, कि ज्ञात करिए हार्मोनिक मीन इन दोनों नंबर का क्या होगा। तो हमने फार्मूला बताया हार्मोनिक मीन का, एच इज इक्वल टू 2AV/A+B, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो एच का जो फार्मूला है उसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ए की जगह पर हम 2 लिखेंगे और बी की जगह पर क्या लिखेंगे 8। तो देखिए 2AV मीन्स इन तीनों के बीच में क्या चिन्ह है, काय का सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो 2 multiply A multiply B, तो इसको बोलते 2AB। 2 multiply 2, ए की जगह हमने 2 लिखा, बी की जगह कितना लिखा 8, ठीक है। 2 plus 8, ऊपर की मल्टीप्लाई करें, ऊपर जो भी नंबर है हमारे 2 to 4, 8 to 32, ठीक। 2 plus 8 कितना होगा 10, 10 ये हो गया 32/10, तो 10 है, तो यहाँ एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 3.2। देखिए ये क्या हो गया आपका, क्या पूछा गया था, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 8, ये दो नंबर थे, इन दोनों का क्या चाहिए हमें हार्मोनिक मीन, आंसर हुआ 3.2। देखिए सिमिलरली इन्हीं नंबर के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं और एरिथमेटिक मीन यानी ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर अगर वही हैं तो तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक।